और बात मुंबई की। मुंबईकर के लिए खुशखबरी है, 15 अगस्त से मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन सेवा दोबारा शुरू होने जा रही है। हालांकि इसे लेकर बीएमसी ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक लोकल ट्रेन में सिर्फ वही यात्री सफर कर सकेंगे जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है। कल से लोकल ट्रेन के लिए पास भी बनने शुरू हो गए। रेलवे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से बनवाए जा सकते हैं, लेकिन अभी सफर सिर्फ वही कर सकता है जो वैक्सीनेटेड हो, वो भी फुल्ली। बीते करीब डेढ़ साल से मुंबई के लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब मुंबई की लोकल ट्रेन, जो कि मुंबई की लाइफलाइन है, ये आम लोगों के लिए शुरू हो जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने आखिरकार ये फैसला लिया है कि 15 अगस्त से जो मुंबई के आम लोग हैं वो लोकल ट्रेन से यात्रा कर पाएंगे, पर शर्त यह है कि उनका दोनों वैक्सीनेशन का डोज जो है वो पूरा हो चुका होगा। इस वक्त हम मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर मौजूद हैं और आपको हम दिखाते हैं किस तरह से स्टेशन पर जो भीड़ भाड़ है वो बेहद कम है। कारण ये है कि फिलहाल लोकल ट्रेन से वही लोग यात्रा कर पा रहे हैं जो एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए हैं, यानी कि जो लोग आवश्यक सेवा से जुड़े हुए हैं उन्हीं को इजाज़त है कि वो मुंबई की लोकल ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जगह जगह पर टीसी दिखाई दे रहे हैं जो कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं जो बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं। लेकिन जो मुंबईकरों को लंबे समय से इंतज़ार था, वो इंतज़ार की घड़ी जो है वो समाप्त हो चुकी है। महाराष्ट्र सरकार ने आखिरकार ये फैसला लिया है कि 15 अगस्त से मुंबई के वो लोग जिनका वैक्सीनेशन का दोनों डोज पूरा हो चुका है और डोज लिए 14 दिन बीत चुके हैं, ऐसे लोग जो हैं वो अब मुंबई की लोकल ट्रेन से यात्रा कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या है ये आपको हम समझाते हैं। देखिए किस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर ये बीएमसी के काउंटर्स बने हुए हैं। इन काउंटर्स पर लोग आ रहे हैं, अपना डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं और डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद उनके डॉक्यूमेंट को बीएमसी के जो कर्मचारी हैं वो वेरीफाई कर रहे हैं और वेरीफिकेशन होने के बाद उन डॉक्यूमेंट्स पर बीएमसी का स्टंप लगाया जा रहा है और स्टंप लगाने के बाद जो है वो टिकट काउंटर पर जाकर टिकट ले सकते हैं। आपको बता दें कि इस तरह के करीब 350 हेल्प डेस्क जो हैं वो मुंबई के अलग अलग 53 रेलवे स्टेशंस पर बनाए गए हैं और यहाँ पर डॉक्यूमेंट चेक करके बीएमसी की तरफ से देखिए इस तरह से ये स्टैंप लगाया जाता है और ये स्टैंप आपके डॉक्यूमेंट पर लगने के बाद आप टिकट काउंटर पर जा सकते हैं और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये दिखाकर आप टिकट ले सकते हैं। कहीं ना कहीं 15 अगस्त के बाद वैसे लोग जिनका वैक्सीनेशन का दोनों डोज पूरा हो चुका है वो तो लोकल ट्रेन से यात्रा कर पाएंगे, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग सरकार के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं जिनका वैक्सीनेशन का दोनों डोज नहीं हुआ है और लोकल ट्रेन में वो यात्रा नहीं कर पाने की वजह से बेहद परेशान हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन।